वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं क्रीम चीज़। तो 1 kg मिल्क लिया है, ये फ्रेश मिल्क है, तो ये ऐड करेंगे इसमें। ये फुल फैट मिल्क है, क्रीम चीज़ बनाने के लिए फुल फैट मिल्क ही होना ज़रूरी है। तो एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। दूध हमारा उबल चुका है, आधे कप से भी कम हमने पानी लिया है 1 कप में, और विनीगर है, वाइट विनीगर, खल, ये ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कप में। हम लेमन जूस भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे थोड़ा सा और फ्लेम को लो करेंगे और आहिस्ता इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि जो ये हमारी चीज़ें बआसानी बन सके। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चीज़ बन रही है, पानी अलग हो गया है, मिल्क का बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हम इसे उतार देंगे। एक छन्नी ली है हमने, पतीले के ऊपर रखी है, और एक कॉटन का क्लॉथ लिया है, कोई सा भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो उसमें हम अब ये जो हमने बनाई है क्रीम, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा साफ पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमने इसमें खल ऐड किया है तो उसकी खटास निकल जाए। अच्छे से धो लेंगे इसे और स्पून से हिलाते भी जाएंगे ताकि बीच में से भी अच्छे से वॉश हो जाए। और इसका पानी हमें अच्छे से रिमूव करना है। ये इसको लटका देंगे इस तरह से किसी चीज़ में तो इसका सारा पानी रिमूव हो जाएगा। इसका पानी बिल्कुल रिमूव हो गया है तो अब हम इसको हटा लेंगे। तो ये जो हमने चीज़ निकाली थी इसमें से, दूध में से, इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको इसमें हम पीस लेंगे। टेबल स्पून जितना पानी इसमें ऐड करेंगे जो इसमें से निकला था, और फिर से चलाएंगे। क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, और ओलिव ऑयल है इसका भी 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। और फिर से इसे चलाएंगे। क्रीम चीज़ हमारी रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है और ये रेडी है, निकाल लेंगे इसे। हमने इसे थोड़ा सा थिक रखा है क्योंकि मुझे किसी मीठे में यूज़ करनी है। अगर हमें ब्रेड पे लगा के खानी है तो इसे थोड़ा सा और भी पतला करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें वही सेम पानी जो इसमें से पानी निकला है वही ऐड करेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ज़्यादा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना। तो ये
जैसे बाहर से मिलती है मार्केट वाली क्रीम चीज़ जो बोतलों में मिलती है सेम वही बन जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी थिक करनी थी। मैं किसी मीठे में यूज़ करूँगी तो इसलिए मैंने इस तरह की बनाई है। निकाल दूँगी और मैं फ्रिज में रखूँगी इसे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। और बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हम बाहर से क्रीम चीज़ लाते हैं केक में डालने के लिए, ये वही है बिल्कुल। रेडी है हमारी क्रीम चीज़ जो बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है और अच्छा टेक्सचर दे रही है, तो इसे हम कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए, फिर हम इसको यूज़ करेंगे।